अभी देखिए टोटल बॉडी की सफाई हो रही है, अपने राकेश भाई साफ कर रहे हैं। कितना काला काला निकल रहा है इसके अंदर से। 2 लाख किलोमीटर चल गई ना, इसके लिए गंदगी हो गई थी। देखिए इधर का साफ हो गया है और उस तरफ से साफ कर रहे हैं अभी, ये देखिए। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सविनयन ब्लॉग में। सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैंने नाइट में फुल नाइट कल डे पूरा गाड़ी चलाया और पूरी रात गाड़ी नाइट में भी चलाया। उसके बाद में गाड़ी में माइलेज नहीं आ रहा था, क्योंकि गाड़ी की सर्विस भी कराना था, क्योंकि गाड़ी का किलोमीटर जो है 10,000 किलोमीटर पे करवाना चाहिए था, जो कि 20,000 हो गया था वो करवाना, तो उसकी वजह से माइलेज भी कम हो गया था। और गाड़ी का टोटल बॉडी का भी काम था, क्योंकि गाड़ी झटके ले रही थी तो वो टोटल बॉडी का भी काम कराना है। तो अभी हमने मिस्त्री के पास लाए हैं गाड़ी, तो वो हम सब करवाना है। देखो ये अपनी गाड़ी है और ये सामने भी नीचे से उठी हुई है, देखिए। तो सर्विस करवाना है और सेकंड चीज़ क्या बोलते हैं, ऑयल पानी बदलवाना है, टोटल बॉडी का काम करवाना है। और पीछे से गाड़ी बहुत ढप ढप हो रही है, तो ऐसा लगता है जैसे पुरानी बोलेरो नहीं होती, हम खंजा गाड़ी पे चलाते हैं, एकदम कच्चे रोड पे बोलेरो चलता, खड़बड़ 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 होती रहा, तो वो आवाज़ आ रही है, तो वो भी देखवाना है मेरे को। और ये सारे काम करवा लेते हैं, उसके बाद घर जाएंगे तो आज आराम करेंगे। कल है सैटरडे, तो कल फिर सैटरडे संडे गाड़ी चलाएंगे। तो अभी कैसा है, गाड़ी जब अच्छी होती है और कोई कमी नहीं होती ना, तो ड्राइव करने में भी अच्छा लगता है और खूब मज़ा आता है, तो करवा ही लेते हैं यहाँ पे। और मैं अभी बताता हूँ, ऑयल पानी में लेकर आया, अंदर रखा हूँ, दिखाता हूँ चल के। तो अभी देख लो, अपने मिस्त्री जो है गाड़ी के अंदर घुसे हुए हैं, मोबिल निकालने जा रहे हैं। नीचे देखो कटोरी रखी हुई है, तो मोबिल निकालेंगे। मोबिल निकालने के बाद में पूरा मोबिल जब निकल जाएगा, उसके बाद में नया मोबिल डाला जाएगा। मैंने एयर फिल्टर और मोबिल फिल्टर लाया हूँ, और इसकी कैन ये देखिए अंदर रखी हुई है, वो कैन अंदर रखी हुई है मोबिल की। तो ये सब मैंने ला के चेंज करवाते हैं, उसके बाद टोटल बॉडी क्या होता है बताता हूँ मैं। टोटल बॉडी इसके अंदर वो होता है, जिससे ये होता है टोटल बॉडी, ये पूरा खोल के साफ़ करेंगे तो अच्छी आवाज़ आ जाएगी और झटके भी नहीं लगेगी गाड़ी। तो देखो यहाँ पे मोबिल निकाला जा रहा है, नया मोबिल डाला जाएगा। ये देखिए यहाँ से खोल दिया उसने, मोबिल निकल रहा है, वहाँ पर देखिए काला हो गया मोबिल। अभी मोबिल बदलने के बाद में फिर टोटल बॉडी साफ़ होगी पेट्रोल से, उसके बाद में सफाई होने के लिए उसमें 2 घंटे लग जाएंगे। तो मुझे घर पहुंचते पहुंचते अभी 2:30 बज जाएगा दोपहर को। और तारू जी बोली थी कि जल्दी आना, लेकिन अभी रात में भी नहीं सोया हूं। और ये जो फॉल्ट थे गाड़ी का मेन माइलेज का, तो इसकी वजह से गैस ज़्यादा लग रही थी, और गैस जितना मतलब मैं अर्निंग करता था थोड़ा बहुत, वो CNG में लग जाता था, इसलिए मैंने सोचा करवा ही लेते हैं, वो बेस्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, टोटल बॉडी किसको बोलते हैं आप सभी को बताता हूँ। ये देखिए ये है ना, इसको टोटल बॉडी बोलते हैं। और इसमें धूल मिट्टी जम हो गई, इसीलिए गाड़ी झटका ले रही थी। तो अभी इसको पेट्रोल से धुला जाएगा और साफ़ किया जाएगा, उसके बाद में फिट करेंगे, तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए काम कर रहे हैं अपने राकेश भाई। अभी देखिए टोटल बॉडी की सफाई हो रही है, अपने राकेश भाई साफ़ कर रहे हैं। कितना काला काला निकल रहा है इसके अंदर से। 2 लाख किलोमीटर चल गई ना, इसके लिए गंदगी हो गई थी। देखिए इधर का साफ़ हो गया है और उस तरफ से साफ़ कर रहे हैं अभी, ये देखिए। दोस्तों दिखाते हैं, मोबिल चेंज किया गया है, मोबिल कितना काला है दिखाता हूँ। 10,000 किलोमीटर की चलने की जगह पे 20,000 किलोमीटर चला गया, कितना काला हो गया है सच्ची, देखो ना कितना काला हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा एकदम हो गया, चिकनाई है ही नहीं इसमें। तो देखो टोटल बॉडी को एकदम साफ़ कर दिया, कितने काले निकली है इसमें से, देखिए नया जैसा हो गया। अभी फिट करेंगे, जो जो प्रॉब्लम थी वो सही हो जाएगी। अभी बच गया, अभी गिर जाता। तो ये है एसी फिल्टर, जो कि एसी फिल्टर 20,000 किलोमीटर चलने के बाद चेंज हो रहा है। तो इसमें बहुत धूल मट्टी दिखाता हूँ मैं, देखो ये देखिए कितनी धूल मट्टी, इसके वजह से एसी की हवा भी कम हो गई थी और कूलिंग भी नहीं हो रही थी। तो अभी एकदम परफेक्ट है, अभी सब कुछ पड़ गया है। अब एसी भी कूल करेगी और साथ ही साथ एसी की जो हवा है वो भी तेज़ हो जाएगी। ये देखो झार पोछ के रेडी कर दिया गाड़ी, मोबिल तो डालो इसमें भैया। तो फाइनली गाड़ी रेडी हो गई है और घर पे चलते हैं, गाड़ी पार्किंग कर देते हैं। और अभी सब फिनिश हो गया, जो प्रॉब्लम थी सब सॉल्व हो गई है, बना दिया है गाड़ी। अब अभी सारा काम हो गया है, बस मिस्त्री को पैसा देना है, उसका वेट कर रहे हैं, मिस्त्री आ जाए, कहीं गए हैं किसी काम से, सब कुछ फाइनल हो गया, कुछ भी नहीं बॉनेट करना है, बस निकल लेना है और गाड़ी पार्किंग करेंगे, सीधा घर पर चलेंगे। और बस यही कहना चाहेंगे, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में आप सभी को। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।